क्या यूपी में शहर शहर तोंदू पुलिस की फौज है? योगी जी, आपके प्रदेश में ऐसे पुलिस वाले, मुख्यमंत्री इतना चुस्त दुरुस्त और पुलिस वाले इतने ढीले ढाले। आप कहते हैं सूबे में गुंडागर्दी दम तोड़ने वाली है, आखिरी सांस ले रही है। प्रदेश की सरकार तय कर चुकी है कि अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वह कहीं भी कानून के साथ खिलवाड़ करता है तो कानून सख्ती के साथ ऐसे तत्वों पर टूट पड़ेगा। लेकिन कैसे होगा ये सब? इंडिया न्यूज ने यूपी में पुलिस वालों की चुस्ती फुर्ती की बड़ी पड़ताल की है। शुरुआत सूबे की राजधानी लखनऊ से करते हैं। मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर ड्यूटी करते ये हैं ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमनाथ मिश्रा। मिश्रा जी, जहाँ कहीं भी सड़क पर खड़े होते हैं इनका तोंद फुटबॉल की तरह लटका हुआ दिखाई देता है। ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर साहब ने हमारा कैमरा देखा तो चुस्ती और बढ़ा दी। लेकिन इनके भारी भरकम पेट का राज क्या है, जरा सुनिए। दौड़ना भागना पड़ता है, आप ड्यूटी छोड़ कहीं जाने से टाइम मिलता नहीं होगा और करने के लिए। नहीं, परेशानी तो खैर रहती है, मोटापा तो नुकसानदेह है ही है। अब इनसे मिलिए, साहब सीटी बजाकर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन खुद का पेट आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। गौर से देखने पर पता चलता है कि इनके बेल्ट में बक्कल भी है। देखते जाइए, लंबी फहरिस्त है तोंदू पुलिस वालों की। अब भारी भरकम शरीर वाले इन साहब को देखिए, तोंद की तो बात छोड़िए, शरीर में चर्बी इतनी कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा। अब ये क्या खाक बदमाशों को पकड़ेंगे? लखनऊ की सड़क पर कंधे पर राइफल टांगे इस पुलिस वाले को देखिए, लगभग 50 की उम्र, प्रमोशन पाकर हेड कांस्टेबल तो बन ही गए होंगे लेकिन पेट का प्रमोशन कुछ ज्यादा हुआ, सीने से 1.5 फीट बाहर निकल गया इनका तोंद। अब इनकी चाल देखिए, ऐसा लगता है पूरे महकमे का भार इनके एक ही पैर पर है, चलने में दिक्कत है। तो क्या हुआ, चलती कम नहीं इनकी? जनाब को सड़क पार करना था लिहाजा सब ने गाड़ी रोक दी और भाई साहब बड़े आराम से एक बस में चढ़ गए। लखनऊ में पुलिस वालों की फिटनेस ऐसी क्यों, ये जानने के लिए हम ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में पहुंचे तो वहां ट्रैफिक इंस्पेक्टर अखिलेश सिंह मिले। इनकी जिम्मेदारी ये है कि शहर के सभी चौराहों पर ट्रैफिक दुरुस्त रहे लेकिन इनका खुद का पेट दुरुस्त नहीं है। सुबह जैसे उठे तो मॉर्निंग वॉक कर लिए, अपना कुछ योगा वगैरह कर लिए, कुछ लोग जिम वगैरह जाते हैं, तो दिन भर तो सड़क पे आदमी घूमने आदमी चल ही रहा है तो उसमें फिटनेस बनी रहती है अपने सब। यूपी में पुलिस वाले तोंदू क्यों हैं जबकि उनकी ड्यूटी दौड़ने भागने की होती है? क्या वर्दी वालों के तोंद का राज वही तो नहीं जिसका जिक्र जमाने से लोग करते आए हैं? खैर, फिटनेस मंत्र को लेकर लखनऊ के सीनियर पुलिस कप्तान क्या कहते हैं वो सुनिए। पुलिस कर्मियों को भी परेड में दौड़ने की बात की, वीक में परेड में कम से कम 3 दिन पुलिस कर्मियों को जाना चाहिए, थोड़ा भी टाइम मिले तो खेल कूद पर ध्यान देना चाहिए, योगा और ध्यान करना चाहिए कम से कम 30-40 मिनट टाइम निकाल कर, इस तरह की चीज करने से उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बहरहाल अब देर से ही सही लेकिन डीजीपी साहब ने ऐसे तोंदू पुलिस वालों को एक्टिव ड्यूटी से हटाकर लाइन में भेजने का फैसला किया है तो उम्मीद करनी चाहिए कि एक्टिव ड्यूटी की चाहत में पुलिस वाले अपने फिटनेस पर काम कर अपनी तोंद को अलविदा जरूर कहेंगे। लखनऊ से रवि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऐसा सिर्फ यूपी के एक शहर में नहीं है, शहर से गांवों तक जहां भी आप चले जाएंगे आपको पेट वाले पुलिस वालों की फौज मिलेगी। अब हम आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं, दिल्ली सटे इन इलाकों में हमारे संवाददाता ने सड़क से लेकर पुलिस अफसर के दफ्तरों तक की पड़ताल की तो कई पुलिस वाले तोंद लटकाए मस्ती में दिखे। ये सब के सब गाजियाबाद के पुलिस वाले हैं, जरा गौर फरमाइए,
यहाँ दारोगा से लेकर कांस्टेबल तक कोई भी ऐसा नहीं जिसका सीना बाहर हो और पेट अंदर। इनकी तस्वीर कैमरे में कैद करने के बाद हमारी नजर ट्रैफिक संभालते पुलिस इंस्पेक्टर पर पड़ी, लेकिन इनके पेट का वजन इतना कि वो इनसे नहीं संभल रहा। हालांकि कैमरे देखने के बाद इन्होंने सांस अंदर खींची, लेकिन कितनी देर। खैर, इनसे बातचीत हुई तो कहा अब इसका ध्यान रखेंगे। आज के जमाने में पैदल तो किसी को भागना नहीं है, और जो क्राइम करके जाएगा ऑलरेडी वो टू व्हीलर या फोर व्हीलर पे ही होगा, तो हमारे पास भी बाइक है, हम भी बाइक से दौड़ेंगे। तो योगी जी को, जो योगी जी कह रहे हैं कि उनकी पुलिस पूरी सक्रिय है, तो आप भी मतलब व्यायाम वगैरह सब कर रहे हैं इसको इसको फिट होने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। हम आगे बढ़े तो हापुड़ मोड़ पर हमें एक और ट्रैफिक दारोगा दिखे, पेट इनका भी आउट ऑफ कंट्रोल। भाई साहब कहते हैं कि काम का बोझ बहुत ज्यादा है, सो टाइम ही नहीं मिलता। बड़ा योगदान हमारे खान पान का होता है, खाना हमारा कभी टाइम से नहीं मिलता हमें, ड्यूटी का हमारा बहुत लंबा टाइम होता है। मेरी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ड्यूटी है, केवल 3 से 4 का रेस्ट है, तो उसमें खाने का जब बैलेंस बिगड़ जाता है ना, तो पेट अपने आप ही जोड़ जाता है। सड़क पर ही हमें एक और वर्दी वाले सड़क पार करते दिखे, पेट इनका भी कुछ कम नहीं। सड़क पार करते ही हमने इनको पकड़ा तो जनाब कह बैठे, पथरी की बीमारी है इसलिए पेट भारी है। पूरा क्राइम मिटाएगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जैसे हम आपका भी देख रहे हैं, कुछ पेट निकला हुआ है, तो कैसे आप खुद को फिट करेंगे? नहीं ऐसा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बीमार हुआ, दवा खा रहा हूँ। अच्छा दवाई खा रहे हैं, लेकिन व्यायाम वगैरह? मेरा पिछले शरीर पथरी है ना। अच्छा पेट में पथरी है, उसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन अगर मीनवाइल, क्योंकि अभी आप ड्यूटी में हैं, अगर कोई अपराधी भागने लगे तो क्या आप पकड़ लेंगे उसे आग कर, क्योंकि थोड़ा पेट बढ़ेगा तो करेंगे वो पकड़ लेंगे। इसके बाद हम गाजियाबाद में SSP ऑफिस पहुँचे, बाहरी खाकी वर्दी वाले एक जवान मिले, इनकी सेहत देख हमने इनसे दौड़ने को कहा तो मना कर दिया। बुलंद पेट की वजह पूछी तो बोले बीमार रहते हैं। बताइए अगर जरूरत पड़ जाए कभी भागने की तो किसी अपराधी? बीमारी से हो गया मेरा ऐसे। अच्छा भागते ना एक बार, हम दोनों भागते चलिए ऐसे, अभी नहीं शाम को भाग लूंगा, अभी भाग लूंगा तो प्राइवेट में कर लूं मुझे। गाजियाबाद में हमें कलेक्ट्रेट के बाहर भी कई पुलिस वाले ऐसे दिखाई दिए जिनके पेट संभाले नहीं संभल रहा। जब पुलिस वालों से पेट नहीं संभल रहा तो ये कैसे संभालेंगे उत्तर प्रदेश? जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज़।